और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कुलगाम में एनकाउंटर की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से एनकाउंटर, सेना के 3 जवान और 1 पुलिस अधिकारी घायल हुआ है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर भी है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और ऑपरेशन फिलहाल ये जारी है। तो 2 से 3 आतंकी ऐसे हैं जो कि अभी भी छुपे हुए बैठे हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और लगातार ऑपरेशन यहां पर जारी है। सेना के जवान डटे हुए हैं। सेना के 3 जवान, आपको बता दें, घायल भी हुए हैं। सेना के 3 जवान और 1 पुलिस अधिकारी घायल हुआ। इलाके में 2 से 3 आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं होने की खबर भी सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने ऐसे में पूरे इलाके को घेर लिया है। फिलहाल ऑपरेशन भी जारी है। इस समय मौजूद है साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में। आपको बता दूं कि आप मेरे पीछे देख सकते हो किस तरह सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया है। ये जो एरिया है ये इड़ीगाम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेज और इंडियन आर्मी को एक इतला मिली थी रात के 3 बजे यहाँ पे कुछ मिलिटेंटों की मूवमेंट है, तो बाद में सिक्योरिटी फोर्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे शुरू किया है। लेकिन आपको बता दूं कि इस इनकाउंटर में अभी 3 इंडियन आर्मी के जवान जो है वो इंजर्ड हुए हैं और 1 पुलिस ऑफिसर वो भी इंजर्ड हो गया। फिलहाल उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उनका जो ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया है। ये आप देख सकते हो, ये मैं एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अड़ीगाम इलाके में किस तरह सिक्योरिटी फोर्स ने पूरी तरीके से इस एरिया को कॉर्डन में लिया गया है। लेकिन इस इनकाउंटर में अभी 3 इंडियन आर्मी के जवान जो है वो इंजर्ड हो गए और 1 पुलिस ऑफिसर वो भी इसमें इंजर्ड हो गया। फिलहाल उनका जो ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे किस तरह आप देख सकते हो लगे हुए हैं, इस इनकाउंटर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए।